वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि हम लोग अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं तो कहाँ पे मिलेगा, मतलब कैसे पता कर सकते हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा करंट जो लॉगिन है। एंड उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करूँगा नहीं, वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। एंड उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ही। यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है। अब मुझे जैसे मेरे जीमेल आईडी का पासवर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये जीमेल आईडी लॉगिन है, आपकी भी ऐसी लॉगिन होगी, इस तरह का कोई इंटरफेस दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर आप टैप करते हो अपनी प्रोफाइल आइकन पे तो आपके जितने भी अकाउंट हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब आप पासवर्ड भूल गए हो या आपको कहीं और लॉगिन करना है, क्या सीन है आपके साथ, कमेंट बॉक्स में लिख देना क्यों पासवर्ड, मतलब ये वीडियो देखने की क्यों जरूरत पड़ी। बाकी अब हमें पासवर्ड नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पूरे वाले ले लेता हूँ, ये जो ऊपर है इट्स राज चौधरी 23, मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद। इन केस मुझे किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करना पड़े तो मैं लॉगिन कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पासवर्ड याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। बट करंट पासवर्ड अगर हमें मिल जाए तो हम एक चुटकी में लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं तो आपको मेरे साथ ये स्टेप फॉलो करने हैं। एंड उसके साथ साथ आप एक काम करो, मेरी ये वाली वीडियो किसी और फ़ोन में चला लो एंड मेरे साथ साथ आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपको ये चीज़ें पता भी होंगी कैसे करना है, राइट। तो अब आपको पासवर्ड कहाँ मिलेगा वो मैं बताता हूँ, वो मिलेगा आपको आपकी जीमेल आईडी में ही। एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है, आपकी कोई भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है वो उसका पासवर्ड सेव ही कर लेता है। एंड यहाँ पे भी मेरा पासवर्ड ऑलरेडी मेरे मोबाइल फ़ोन में सेव है। अब आपको पहले तीन जगह बताने वाला हूँ, बट फर्स्ट मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा। आपको अपनी जीमेल पे ही आ जाना है, जो आपकी जीमेल आईडी है, यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे, जो भी जीमेल आईडी का आपको पासवर्ड देखना है उस पे टैप करते ही यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट दिखेगा या फिर आपको दिखेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो हम लोग गूगल अकाउंट पे टैप करेंगे। जैसे ही गूगल अकाउंट पे टैप करेंगे इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ स्वाइप करना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको डेटा एंड प्राइवेसी के नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, सिक्योरिटी। पहले हमारा पासवर्ड जो होता था हमें डेटा एंड प्राइवेसी में ही मिल जाता था, पहले वो डेटा एंड सिक्योरिटी, फिर वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अब वो चेंज होकर हो गया सिंपल सिक्योरिटी एंड डेटा एंड प्राइवेसी को कर दिया अलग। हम लोगों को मिलेगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जैसे आप आओगे तो आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे चले जाना है आपको। जैसे आप सबसे नीचे जाओगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड मैनेजर का, ये तो पहला तरीका बता रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे यू हैव 8 पासवर्ड सेव इन योर गूगल अकाउंट, पासवर्ड मैनेजर मेक्स इट इजियर टू साइन इन टू साइट एन ऐप दैट यू यूज इन साइंड इन दिस डिवाइस। जितनी भी मेरी इस डिवाइस में पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है सबका पासवर्ड इसने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, आपका नहीं किया है वो भी कर लेगा। पासवर्ड मैनेजर पर टैप करो एंड यहाँ पे अब जैसे ही मैं देखूंगा मेरे यहाँ पे पासवर्ड सब दिख जाएंगे, जितनी भी मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन थी सबका पासवर्ड है यहाँ पे, मुझे देखना है गूगल का। बट उससे पहले आपको एक काम जरूर कर लेना ताकि यहाँ पे आ जाए और भी अगर आपने नहीं किया सेव। उसके लिए आपको पासवर्ड चेकअप का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके ऐसे नीचे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेटिंग पर टैप करना है। एंड यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ना, ऑफर टू सेव, साइन ऑटोमेटिकली और पासवर्ड अलर्ट, इनको आपको टर्न ऑफ करके नहीं टर्न ऑन कर दो। टर्न ऑफ करके एक बार टर्न ऑन जरूर कर देना, इससे क्या होगा आपके पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। अगर आपको पासवर्ड एक्सपोर्ट करने एक्सपोर्ट कर लेना, कहीं से इम्पोर्ट करने इम्पोर्ट कर लेना, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको गूगल अकाउंट पे जाना है। मेरा जो गूगल का पासवर्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, जैसे मुझे मेरी इट्स मी राज चौधरी और दूसरा इट्स राज चौधरी 23, अगर मैं यहाँ पे सीन करूँ तो मुझे मेरे पासवर्ड दिख जाएंगे। आपको भी आपके पासवर्ड इस तरह से मिल जाएगा, आप यहाँ से सिंपल पासवर्ड को कॉपी कर सकते हो, पहला तरीका। अगर आपको पासवर्ड यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको एक काम करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में ही जाना है, ओके। यहाँ से अगर मैं टैप करूँ सेटिंग्स पे, अब आपको क्या करना है, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल का, आपको सिंपल इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटो फिल, आप ऑटो फिल पर टैप करो, यहाँ पे ऑटो फिल विद गूगल पे टैप करो, ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको यहीं, जो भी आपकी जीमेल अकाउंट है उसी का ही पासवर्ड यहाँ पे। अगर गूगल पासवर्ड मैनेजर पर टैप करोगे तो यहाँ पे भी आपको पासवर्ड दिख जाएंगे। इन केस आपको यहाँ पे भी नहीं मिल रहे तो तीन जगह से आपको एक ही जगह पे आना है, वो भी दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कभी ना कभी अपना जो क्रोम है वो भी हमारा उसी से चलता है, गूगल से, आई मीन जीमेल आईडी से ही, तो हम जाएंगे क्रोम पे, ओके। तो हम लोग क्रोम ब्राउजर पे चले जाते हैं, यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर पे भी आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे राइट टॉप कॉर्नर 3 डॉट पे टैप करेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग्स पे, ये रहा पासवर्ड मैनेजर, यहाँ पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे भी वही सेम चीज़ पासवर्ड दिख जाएंगे।
अब घुमा फिरा के मैंने तीन जगह आपको एक ही जगह बताई है, तीन, बस तीन जगह से आप एक जगह पे आ सकते हो जहाँ पे पासवर्ड हमारे सेव्ड हैं। गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट, बात बिल्कुल सेम है, गूगल की एक सर्विस होती है जीमेल, उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है, यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी पासवर्ड की जरूरत क्या पड़ी, भूल गए या फिर कोई और दिक्कत है। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड नहीं मिला है तो अब आप क्या करोगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो भी बता दूंगा कि आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है, कैसे मिल जाएगा। बाकी उसी के साथ वीडियो तो पसंद आई होगी, आई है तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।